हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम श्री और मैं हूँ सोनम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ज्वेलरी हॉल। यस आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अपने चैनल पे ऐसे कुछ ज्वेलरी हॉल वगैरह शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ज्वेलरी हॉल आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट हॉल है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें जो भी मैं ज्वेलरी पीसेस आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो सारे मैंने मिंत्रा और मीशो से ही मंगवाए हैं। सो क्वालिटी वाइज मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड आई होप कि आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कौन कौन से ज्वेलरी पीसेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट मेक श्योर कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलेगा, बिकॉज आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। जो फर्स्ट पीस है वो है एक इयर रिंग का पीस और वो है फ्रॉम द ब्रांड पनाश, फ्रॉम द ब्रांड पनाश। और ये फर्स्ट टाइम है मैंने ये वाला ब्रांड का कोई भी ज्वेलरी ख़रीदा है, बिकॉज पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से ऐसे डब्बे में बंद था और अंदर में स्पंज वगैरह था लगा हुआ, तो पैकिंग अच्छी थी इसकी। और जो मेरा फर्स्ट पीस है वो है ये पिंक कलर का सिल्वर झुमका, अगर आप देखें तो, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और किसी भी पिंक कलर के ड्रेस के साथ में, या पिंक नहीं भी है तो कोई भी ऐसा सूट जिसके साथ आप सिल्वर ज्वेलरी कैरी करना चाहते हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पर्ल लगे हुए हैं, वो किसी भी ड्रेस के साथ में जा सकते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट पीस जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये है मेरा फर्स्ट पीस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, कानों में बिल्कुल भी ज़्यादा हैवी फील नहीं होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो सेकंड पीस जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रॉम द ब्रांड जस्ट पीची। ये देखिए, ये भी मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ था, इसकी भी पैकेजिंग अच्छी थी, अंदर से इन्होंने भी ऐसे थर्मोकोल वाले वो शीट्स यूज़ किए हैं, तो ज्वेलरी की पैक थी। और ये रही मेरी सेकेंड पीस इयररिंग, ये भी अगेन एक सिल्वर झुमका है जो कि पिंक कलर में है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब कि इस तरह के झुमके ना कुर्ती साड़ी किसी के भी साथ में आप पहनिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और मेरे पास में सारे मतलब ऐसे बड़े बड़े झुमके थे, छोटे छोटे नहीं थे, तो इसलिए इसमें मैंने थोड़े से छोटे झुमके खरीदे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, मुझे कुछ 300 रुपीज़ के आसपास मिला था ये। तो लाइक ये था मेरा सेकेंड पीस, आप लोग भी अपने लिए देख सकते हैं अगर आपको छोटे झुमके पहनने के मन हो तो। तो लाइक जो थर्ड पीस मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ वो है एक टेम्पल ज्वेलरी। अभी लाइक टेम्पल ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा फैशन में भी है और सिल्क विल्क की साड़ी के साथ में ये टेम्पल ज्वेलरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो मैं जो टेम्पल ज्वेलरी है वो है एक सेट, ये रहा उसका नेकलेस जिसमें कि ये पर्ल्स का जो चेन है और यहाँ पर देखिए तो लक्ष्मी माता बनाई हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्वालिटी वाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। लॉकेट भी, लॉकेट का जो साइज है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। और जो चेन की लेंथ है वो आपको जितना पसंद है आप उतना कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे लेंथ को मेंटेन करने के लिए। तो मुझे वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इसका पहनने के बाद। छोटे छोटे झुमकियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं इन्हें और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, दाम तो मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गए, मैं सभी के दाम स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सबके लिंक वगैरह मिल जाएंगे, तो अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप अपने लिए चेक कर सकते हैं। ओके, तो जो थर्ड, ये थर्ड आइटम था। और जो फोर्थ आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक अगेन इयररिंग का पीस, बिकॉज मैं जनरली ज्वेलरी में अगर देखा जाए तो मैं इयररिंग्स ही ज़्यादा पहनती हूँ आर्टिफिशियल वाले, तो इसीलिए मेरे पास इयररिंग का ज़्यादा कलेक्शन होता है। तो ये रहा मेरा फोर्थ इयररिंग का पीस जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीस है, मतलब कि मैंने जब देखा था इसे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने बड़े आएंगे, बट ये बड़े भी ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो पहला बात कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है और पहनने के बाद तो इनका जो लुक है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है कि मैंने ये इयररिंग्स देखते ही मतलब मुझे लगा कि यार ये तो मेरे पास होना चाहिए, ये साड़ी के साथ सूट के साथ ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है, किसी भी फेस्टिवल्स के टाइम पे आप इसको पहन सकते हैं।
तो ये था मेरा फोर्थ पीस, और ये मैंने मीशो की, तो ये वाला ज्वेलरी जो है मैंने मीशो से मंगवाया है, और मीशो की जो ज्वेलरी की क्वालिटीज़ है ना वो सच में बहुत ही अच्छी है गाइस। मैंने पहले भी आप लोग के साथ में मीशो की ज्वेलरी शेयर की है और मुझे हर बार क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये था मेरा फोर्थ पीस। तो ये है मेरा फिफ्थ पीस, ये है एक कंप्लीट ज्वेलरी, सॉरी ये है एक कंप्लीट नेकलेस का सेट, जिसमें कि आपको कान का, गले का और मांटी का तीनों चीज़ रिसीव हो रहा है। ये रेड कलर का जो है वो नेकलेस है, बहुत ही पतला सा है, बहुत ही मोटा सा नहीं है, तो ये किसी भी साड़ी में आप बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें जो वो कुंदन लगे हुए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और जो स्टोन है वो भी बहुत ही ज़्यादा रिच लुक दे रहा है, जो एक आर्टिफिशियल वाला लुक आता है ना वैसा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके साथ में दो इयररिंग्स रिसीव हो रहे हैं रेड कलर के, आप अगर इसको चाहे तो सेपरेटली भी कभी कैरी कर सकते हैं अगर रेड कलर का कुछ पहन रहे हैं। और इसके साथ में ये रेड कलर का मांग टीका भी मिला है, तो अगेन इस मांग टीका को भी आप बहुत ही अलग अलग वेव्स में कैरी कर सकते हैं इसमें, तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये कुछ पीसेस थी जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और मुझे सारे ही पीसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए मुझे इनकी, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो पता ही क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।